यहाँ से आप हपुल का व्यू भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे ट्रैक भी बनाए गए हैं ऊपर मस्जिद तक आने के लिए। ये मस्जिद तो ये 900 साल पुरानी है। यहाँ पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे एक मस्जिद बनाई गई है जिसका नाम है थोसिखर मास्क। तो अभी हम उस मेन पॉइंट ये आप देख सकते हैं यहाँ तक हम जाएंगे, तो इंशाल्लाह यहाँ से हम ट्रैकिंग करके यहाँ से हम जाएंगे तो उधर जाके आपको दिखाते हैं। इस विलेज का नाम गरबुचू है। ये खपलू सिटी से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के फासले पर है और ये खपलू में ही आते हैं, डिस्ट्रिक्ट गांछे में ही। लेकिन अभी हम उस ट्रैक के जानिब बढ़ रहे हैं जहाँ से थोसिखर प्लेस की तरफ जाया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये रोड है, इस रोड में आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे बर्फ़ अभी तक जमा हुआ है। कुछ दिन पहले यहाँ पे बर्फबारी हुई थी, ये अभी तक यहाँ पे जमा हुआ है। तो ये काफ़ी ठंडी जगह है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ के घर, और यहाँ पे कच्चे घर ही हमें देखने को मिलते हैं। तो ये देख सकते हैं नाज़रीन, यहाँ पे जानवरों को दिन के टाइम पे यहाँ पे रखा जाता है। ये देखें लकड़ी से ये बनाया गया है। तो ये देख सकते हैं यहाँ से ट्रैक शुरू हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट की ये ट्रैक है। तो नाज़रीन आज धूप निकली हुई है, इसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और ऊपर से थोड़ी थोड़ी ठंडी हवाएं भी चल रही है, इसलिए सर्दी की जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पे। इस वक्त खपलू में यहाँ पर टम्परेचर जो है -2 से 3 के दरमियान है। कि यहाँ से आप देख सकते हैं खपलू का बहुत ही खूबसूरत व्यू यहाँ से देखने को मिल रहा है हमें। तो हम फाइनली थोसिखर पहुंच चुके हैं, लेकिन उधर मस्जिद तक पहुंचने में अभी भी वक़्त लगेगा हमें, क्योंकि मुसलसल टॉप पे ही चढ़ते जाना है, सांस फूल जाता है। यहाँ से खूबसूरत ट्रैक यहाँ पर बनाए गए हैं, तो हम इसी रास्ते से जाएंगे थोसिखर मस्जिद की तरफ। ये देखें करीब ही है और बाकी आसपास का व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यू है खपलू वैली का। ये देखें, ये यहाँ से पूरा खपलू सिटी का व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी खपलू सिटी के ही हैं जिस जगह से हम यहाँ पे चढ़ के आए थे। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है थोसिखर प्लेस। यहाँ पर होटल भी बनाए गए हैं, यहाँ पर रिहाइश का भी इंतज़ाम है,
आप खाना शाना भी यहाँ से खा सकते हैं। तो ये होटल आप चला रहे हैं? कब से चला रहे हैं होटल? ये कोई 2 साल हो गया। खाने चाय आड़ा के मुताबिक मिलते हैं और सहूलियत ये है बस कमरों में जायज रेट है। अभी अगर कोई आना चाहे तो शिखर प्लेस 1000 कमरे के ये आप यहाँ पे लकड़ी का इंतजाम कर रहे हैं क्योंकि अभी सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं। अब ये बताइए ये ठोसिखर मस्जिद है ये टूरिस्ट के लिए कब ओपन किया गया था? ये बाकायदा अभी ट्रैक वेक बनाए के 10 साल हो गया। रास्ता वगैरह बनाया, कोई टिकट नहीं है, हर मेहमान के लिए फ्री है। अच्छा ये मस्जिद कोई 900 साल पुरानी है, जब इस्लाम हो गया ये मस्जिद रखा है शाह सईद कबीर ने। अच्छा ये 700 साल पुरानी है? कितने साल पुरानी है ये? 700 साल। अच्छा ये नीचे मंदिर वही पुराने, ऊपर 2 बार सड़ गया बनाए हैं, अभी उधर बिजली भी लगा हुआ है। अच्छा दूसरा रास्ता भी बना हुआ है, पुराना मस्जिद है इस्लाम का, कोई इस्लाम आके नमाज पढ़ सकते, कोई मुसलमान है अल्लाह का घर है। अच्छा जी उधर बिजली है, उधर जानमाज है, पानी इधर बाथरूम बना हुआ है, वज़ू करके जा सकते हैं। ये मस्जिद जो तामीर हुई थी वो किसने इसकी बुनियाद रखी थी? ये शाह सईद अमीर कबीर ने रखा। अच्छा सईद अमीर कबीर से ये है वो मस्जिद। ये देखिए पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे बनाया गया ये मस्जिद है, ये आप देख सकते हैं। बाकी आबादी यहाँ से कितना नीचे है ये देखिए। अभी हम बिल्कुल टॉप पे पहुँच गए हैं। तो नाज़रीन इस वक्त हम ठोसिखर मास के बिल्कुल करीब हैं, अभी हम पहाड़ के बिल्कुल टॉप में मौजूद हैं। तो यहाँ से आप चारों तरफ कव्यूज आप देख सकते हैं। तो यहाँ से खपलू जो सिटी है, खपलू सिटी का आप खूबसूरत व्यू यहाँ से देख सकते हैं। और ये साथ में ये ट्रैक बनाया हुआ है तो बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। बाकी पहाड़ों पर आप देख सकते हैं बर्फ़ पड़े हुए हैं। देखिए नाज़रीन इस मस्जिद के तारीख के हवाले से हम आपको कुछ दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये जो मस्जिद तामीर हुआ था हज़रत अमीर कबीर सईद अली हमदानी ने इस मस्जिद की बुनियाद रखी थी। बाकी तारीख के हवाले से आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। Thank you.
Mitak pochin. Mitak pochin, mitak po. Ina, gana in. Ina, dika jawa pin pa. Dika jawa pin pa. Nimalo pin pa. Pupa tamyo. Ada pupa met pin. Met pin. Jang met pin. Bakton ma bet. अच्छा तो थोसिखर प्लेस हमने आपको दिखाया, खपुल कवी भी हमने आपको दिखाया। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने भाई को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।